ईरान ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल पर तकरीबन 180 मिसाइलों से हमला किया, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि ईरान ने मिसाइल हमले करके बड़ी गलती की है जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल से अब तक क्या हुआ है आइए जानते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया जिसके बाइस तकरीबन 1 करोड़ इसराइली शहरी पनाह गाहों में छुपने पर मजबूर हो गए। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि इसराइल पर हमले में ईरान ने पहली मरतबा अपना हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह इस्तेमाल किया है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइल पर मिसाइल हमलों का हुक्म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने दिया और कहा कि इसराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद ईरान किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुज़श्ता रोज़ इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि ईरान ने मंगल की रात इसराइल की जानिब 102 मिसाइल दागे हैं। ताहम इस हवाले से मुतज़ाद इत्तला आ रही हैं। बाज़ इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से 400 मिसाइल दागे गए हैं। ईरान के सदर मसूद पेशकियां ने मंगल के शब इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि उनका मुल्क जंग नहीं चाहता लेकिन किसी भी खतरे का डट कर मुकाबला करेगा। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्ला की शहादत का जवाब है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज बुध के रोज मुनक्किद होगा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.PK।